हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेकटॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब तक इस वीडियो सीरीज में आपने देखा है कि सर्कुलर क्यू क्यों इंट्रोड्यूस किया है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, वो कैसे वर्क करता है, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या क्या है, और वो जो डिफरेंट ऑपरेशन वो मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे इंसर्शन ऑपरेशन सिक्स्थ पार्ट में एक्सप्लेन किया है, डिलीशन ऑपरेशन सेवेंथ में एक्सप्लेन किया है, दोनों के कंबाइन ऑपरेशन एट में एक्सप्लेन किए हैं, और इंसर्शन फंक्शन हम C++ में कैसे लिख सकते हैं वो मैंने नाइन्थ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब की बारी है कि डिलीट फंक्शन अगर हमें C++ में लिखना है तो वो कैसे लिखना है। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं अभी सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो देखते हैं कि डिलीट फंक्शन हम C++ में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर हमें इंसर्ट और एनकी ऑपरेशन करना है तो हमें इज फुल और इज ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है। वैसे ही अगर हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें इज एम्प्टी और इज अंडरफ्लो वाला कंडीशन चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिलीशन ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन का एल्गोरिदम और इसका प्रोग्राम मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एल्गोरिदम और उसके साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अगर हमारा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें चेक करना है कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि अगर हमारा क्यू एम्प्टी होता है तो हम कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल सा कंडीशन है, अगर हमारा फ्रंट -1 पे है तो ये इंडिकेट कर देता है कि आपका क्यू एम्प्टी है। तो अगर है तो हमें जस्ट एक मैसेज कर लेना है कि क्यू इज एम्प्टी और हमें वहां से एग्जिट हो जाना है। तो चलो देखते हैं यही चीजें हमें कैसे प्रोग्राम के साथ लिखनी है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया डी क्यू ऑपरेशन टू रिमूव द डेटा फ्रॉम क्यू। तो डी क्यू फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने वाई एक वेरिएबल ले लिया है जो कि एक कंटेनर की तरह वर्क करेगा, जो कि जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है वो स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इज एम्प्टी चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने उस फंक्शन पे जंप कर लिया। यहाँ पे हम इफ कंडीशन में ये फंक्शन लिख रहा है, इसका मतलब है कि हमें जो इज एम्प्टी फंक्शन है वो रिटर्न वैल्यू करेगा बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स वैल्यू, यस और नो वैल्यू, इसलिए इसका रिटर्न टाइप हो गया बुलियन। और यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना लिखना है कि मेरा फ्रंट इज इक्वल टू अगर -1 है तो हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होता है, इसका मतलब है कि हमारा क्यू एम्प्टी है। तो यही मैसेज मैंने यहाँ पे लिख लिया इफ कंडीशन में, अगर ये ट्रू है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा क्यू इज एम्प्टी। अगर क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है तो हमें चेक करना है कि ये सिंगल एलिमेंट है या नहीं, क्योंकि जैसे कि इंसर्शन के टाइम हमें सिंगल एलिमेंट स्पेशली हैंडल करना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी ये स्पेशली हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो वो डिलीट करने के बाद आपका क्यू जो है वो एम्प्टी होने वाला है। तो सबसे पहले ये सिंगल एलिमेंट है या नहीं ये कैसे चेक करना है, अगर मेरा फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजिशन पे पॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब कि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट है। तो अगर ये है तो हमें क्या करना है, दोनों फ्रंट और रियर को -1 पे री इनिशियलाइज कर लेना है, क्योंकि ये एलिमेंट डिलीट होने के बाद आपका क्यू जो है वो एम्प्टी होने वाला है। और एम्प्टी का कंडीशन क्या होता है, दोनों फ्रंट और रियर आर सेटल्ड एट -1 पोजीशन। तो चलो यही हम देखते हैं कि हमारी प्रोग्राम में है कैसे करना है। तो ये तो हो गया ट्रू वाला कंडीशन। अभी देखते हैं कि अगर फ्रंट -1 पे नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ पे जब हम फॉल्स रिटर्न करते हैं तो ये एल्स कंडीशन पे जाएगा, और एल्स में हमें जो है वो फ्रंट वाला आइटम जो है वो वाई कंटेनर में कलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें रीसेट करना है क्यू को बाय चेकिंग फ्रंट और रियर, अगर ये दोनों एक ही पोजीशन पे है ये हमें सबसे पहले चेक करना है कि सिंगल एलिमेंट है या नहीं, और अगर वो है तो हमें दोनों फ्रंट और रियर -1 को इनिशियलाइज कर लेने हैं।
और हमें जो वाई है आइटम वो हमें रिटर्न कर लेना है। अगर मान लो कि सिंगल एलिमेंट नहीं है तो मोर देन वन एलिमेंट है तो उसके लिए हमें सर्कुलर इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे हमें सर्कुलरली इंक्रीमेंट फ्रंट को करना है क्योंकि डिलीशन ऑपरेशन जो होता है वो फ्रंट एंड पे होता है। जब अब तक आपने देखा था कि जो जो कोई हम इंसर्ट कर रहे थे वो वहाँ उस टाइम थर्ड स्टेप था कि सर्कुलर इंक्रीमेंट, वहाँ पे हमें रेयर इंक्रीमेंट करना था, पर अभी डिलीशन ऑपरेशन है तो इसलिए यहाँ पे हमें फ्रंट इंक्रीमेंट करना है, सर्कुलर इंक्रीमेंट विथ द मॉड्यूलो डिवीजन। ये अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। वो सर्कुलर इंक्रीमेंट होने के बाद हमें जो आइटम है वो डिलीट करना है, इसका मतलब कि हमें वो वाई वेरिएबल में असाइन कर लेना है। तो चलो ये देखते हैं कि ये कैसे हमें लिखना है। तो यहाँ पे ये एल्स आ गया क्योंकि अगर मेरा ये सिंगल आइटम नहीं है, फ्रंट इक्वल टू रेयर नहीं है, तो हमें ये सब सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे मैंने फ्रंट को सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट कर लिया और वो जो रिटर्न है वाई है वो हमें रिटर्न कर लेना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें डिलीशन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ऐसे फंक्शन राइट करना होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को देखा, समझा, डिलीट ऑपरेशन आपने समझ लिया। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, उसके साथ साथ पूरा प्लेलिस्ट भी यहाँ पे शॉर्टकट दे रही हूँ, जिससे आपको पूरा सर्कुलर क्यू का डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।